कड़ाके की धूप है ऊपर, और नीचे ये शख्स जो है, जो बाबा हैं, वो इस वक्त बैठे हुए हैं कड़कड़ाती धूप में। चारों ओर आग जल रही है और दयालनाथ जी इनका नाम है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। चारों ओर आग जल रही है, इसकी भी गर्मी उन तक पहुंच रही है, और धूप की गर्मी के बावजूद स्थिर ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये 41 दिन का अपने आत्मा से, परमात्मा से 3.25 घंटे का अंतर्याम, भगवान से, आत्मा से प्रार्थना करनी जन कल्याण के लिए। धूप में जमीन पर बैठे हुए हैं दयालनाथ जी, उनको धूप नहीं लग रही है। हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ पर इतनी धूप आ रही है, हमें गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली और मैं हूँ आपके साथ हिमांशु मुद्गल। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के बवाना में मौजूद हैं। आपको मेरे पीछे ये तस्वीरें हम दिखाते हैं, ये नज़ारा हम दिखाते हैं कि किस तरीके से एक संत, एक व्यक्ति बीच में बैठकर तपस्या कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। जब हमने उनके सहयोगी जो साधु पीछे बैठे हैं, जब हमने उनसे बात की तो पता चला कि ये लोग यहाँ पर समाज कल्याण के लिए उपासना कर रहे हैं और भगवान से, ईश्वर से ये मांग रहे हैं कि पूरे समाज की शांति हो पाए। आइए हम जानते हैं कि इस यज्ञ की और ये पूरी जो प्रक्रिया है ये किस तरीके से होती है, और जानते हैं क्या कुछ मायने हैं इस पूरी तपस्या के। क्या नाम है बाबा आपका? नाम तो भगवान का दिया हुआ, गुरु वेश भगवान का, वीरेंद्र नाथ जी। और हमारे ये बाबा दयालनाथ जी जो जन कल्याण के लिए और मानव समाज के लिए, जो बुराई से बच जाए और अच्छा ही अच्छा, और जैसे हमारे भविष्य काल में धरती पे हमारी आंखें, हमारा दिल रो रहा है, हमारी गौ माताएं भटक रही है, उन पर अत्याचार, कुत्ते काट रहे, जिंदा देखो। जिस तरीके से सर हम देख सकते हैं, अगर ये तस्वीरें दिखाएं तो सामने एक भगवान की तस्वीर रखी है सर, किन की तस्वीर है सर? जी है हमारे श्रोमणि श्री 1008 श्री 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 बाबा मस्तनाथ जी की है, श्री श्री 1008 श्री गोरखनाथ जी की है, जिन्होंने अपने तपो से, अपने बलों से, अपने ज्ञान से, अपने भगवान परमात्मा आत्मा से प्रवेश करके जन कल्याण का बहुत ही बड़ा मठ बना रखे जोरों तक में बाबा मस्तनाथ। चारों ओर जो हम देख रहे हैं सर, जिस तरीके से उपले लगा करके यज्ञ की तरीके से आकृति में आपने इसको बनाया हुआ है, इस उपासना को क्या कहा जाता है? इस उपासना को जन कल्याण के लिए उपासना किया जाता है। क्या कुछ प्रक्रिया है सर? प्रक्रिया ये है, 41 दिन का अपने आत्मा से, परमात्मा से 3.25 घंटे का अंतर्याम, भगवान से, आत्मा से प्रार्थना करनी जन कल्याण के लिए। कड़ाके की धूप है ऊपर, और नीचे ये शख्स जो है, जो बाबा हैं, वो इस वक्त बैठे हुए हैं कड़कड़ाती धूप में। चारों ओर आग जल रही है, और दयालनाथ जी इनका नाम है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। चारों ओर आग जल रही है, इसकी भी गर्मी उन तक पहुँच रही है, और धूप की गर्मी के बावजूद स्थिर ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर बैठे हैं? कितना वक्त हो चुका है और कब तक बैठने वाले हैं? 7 तारीख से समय चल चुका था, 7 तारीख से 12:15 बजे 9 धुनियों की तपस्या 12:15 बजे दिन के, और 3:15 बजे तक ये योग चलेगा। दयालनाथ जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप ये तस्वीरें दिखा दीजिए इस वक्त, और शरीर पर भभूत लगाकर, बगल में त्रिशूल है और ज़मीन में चिमटा गड़ा हुआ है, और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं एक भगवा ध्वज आपको ऊपर दिखाई दे जाएगा। चारों ओर से कवर इसे किया गया है। आप विशेषता यहाँ की देखिए कि कड़कड़ाती धूप है, बावजूद इसके बाबा के पैरों में चप्पल नहीं है। धूप में ज़मीन पर बैठे हुए हैं दयालनाथ जी, उनको धूप नहीं लग रही है। हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ पर इतनी धूप आ रही है, हमें गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं। पर कहा जाता है भक्ति में शक्ति होती है, ये कैसी शक्ति है? शक्ति तो उस परमात्मा की जो मन में बसी है। आपके पैर जल नहीं रहे हैं? नहीं नहीं, नहीं कैसे जलेंगे, बिल्कुल नहीं जल रहे हैं। नहीं नहीं, और भी चलते, और मैं रोड पे चल देता हूँ, पदवासन पैदल यात्रा कर लेता हूँ। और बोलो, नाम भजन उस राम का, उस गुरु भगवान का, जिसके सिर पर हाथ उस अपने मात पिताओं का, अपने गुरु भगवान का, सनातन धर्म का जज्बा है, इस मन में रम लिया है। अब मेरा रंग दे बसंती चोला, जैसे हुए मेरे नौजवान, मेरे युवा भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र
कुछ लोग लगातार कहते हैं अब हिंदुत्व खत्म होता जा रहा है, क्या आपको लगता है ऐसा? मेरे को भी लग रहा है, कुछ कुछ लग रहा है, क्योंकि मेरे सनातन धर्म में कुछ ऐसे पढ़े लिखे अफसर अधिकारी, राजनीति में तंत्र अधिकारी ऐसे आ गए जैसे कि हमारे को कुछ नहीं दिया जा रहा। जैसे कि अभी ही लगा लो फिलहाल ही में योगी सरकार बहुत अच्छे एक नंबर पर, और मोदी सरकार ऐसा सनातन धर्म में जो बनाना था चाह रहे थे, जो मुद्दा था जय श्री राम का, आज वो सनातन धर्म का हमारा भगमा पटता हुआ नज़र आ रहा है योगी सरकार और मोदी सरकार में। फिर भी 100% तो हमारे योगी सरकार ने सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ किया। योगी से खुश है मगर मोदी से खुश नहीं? मोदी से खुश नहीं हूँ, क्योंकि मठ अधिकारी हमारे बाल ब्रह्मचारी आदित्य योगी नाथ जी जय जयकार, और मेरी एक तमन्ना है, कुंभ के मेरे मेरी आपकी मीडिया से एक माध्यम से एक प्रार्थना अभी, और मेरे एक दिल की सुकून तमन्ना है अगर मैं अपने एक योगी जी के पैरों को धोकर उनके जल का स्मरण कर सकूँ, और मेरी ये आवाज़ मेरे उस योगी भगवान तक जानी चाहिए जिसको मैं अपनी आत्मा से भगवान मानता हूँ, और जिस दिन मुझे उसके मार्गदर्शन मुझे दर्शन मिलेंगे मैं उनके चरणों का पानी अमृत संपूर्ण करना चाहता हूँ। देखिए योगी जी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एक बार दोबारा ये दिखा दीजिए, और ये अपने आप में बेहद अलौकिक है। अंत में क्या कुछ संदेश जनता को देना चाहते हैं? मीडिया से माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, मैं राजनीतिक तंत्र से नहीं बोल रहा हूँ, मैं सनातन धर्म की तरफ से बोल रहा हूँ, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं। हमें अपने देश की अच्छाई के लिए, अपने युवाओं के लिए, हमारी गौ माताओं के लिए, कि जो ये केस हो रहे हैं ये क्राइम हो रहे हैं, छी बाबा छी, हमारी तो आंखें बंद हो गई है, हमारे दिल रोने लगे, क्योंकि हम तो जंगलों में बंग नहीं, तो हम भी मानो हम भी किसी इंसान के बेटे थे, हमने भी जन्म लिया, आत्मा दुखी हुई थी तभी तो बाबा चोला ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए जिस तरीके से लगातार ये हवन यहाँ पर चल रहा है, ये प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, लगातार यहाँ पर दयालनाथ जी जो हैं वो बैठे हुए हैं, और लगातार वो समाज कल्याण के लिए ये तपस्या कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है? क्योंकि 40 दिनों से एक शख्स धूप में लगातार बैठा हुआ है, कड़कड़ाती धूप है जिसमें आप अपने घर से निकलना पसंद नहीं करते हैं, एसी से निकलना पसंद नहीं करते हैं, वहीं भक्ति में इतनी शक्ति हो जाती है कि एक शख्स सड़क किनारे बैठकर यूं कच्ची रेत में और इस तरीके से बैठा होता है और उसे धूप नहीं लगती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें झलको दिल्ली।